हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस पेरेंट्स अबाउट, दिस इज शुभित रुगनर। 25 जुलाई को वैकेंसीज एक के बाद एक आती जा रही हैं। पहले LIC ने अपने असिस्टेंट की वैकेंसी रिलीज की और अब RBI ग्रेड बी ने भी रिक्रूटमेंट जारी कर दी है ईयर 2024 के लिए। सो बैंकिंग के एग्जाम में आप जिसे सबसे हाईएस्ट पे रखते हो दैट इज RBI ग्रेड बी ऑफिसर। आप कोई भी बैंक का एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है कि अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज अ ग्रेड बी ऑफिसर अगर आप रिक्रूट होते हो तो आपका जो पोस्ट है, आपकी जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट है एक IAS ऑफिसर की। आपको जो सैलरी मिलती है, जो अलाउंस मिलते हैं, जो पर्क्स मिलते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं अगर आप ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं तो। तो आज के दिन वो वैकेंसी भी आउट कर दी गई है, कितनी वैकेंसी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका डेट है, इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप तीन पोस्ट को देखेंगे। एक है आपका DR जनरल, ठीक है, और एक आप देखेंगे DEPR के थ्रू और एक आप देखेंगे DSIM के थ्रू। तो नीचे के जो DEPR और DSIM है ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, क्योंकि एक है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए और एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो वो आपके काम का नहीं है। जो जनरल RBI ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट होती है वो ये वाली है जिसपे आपको बेसिकली ध्यान देना है, बाकी पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसी के लिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो जो ऑफिसर ग्रेड बी का एग्जाम होता है वो आपका टोटल तीन फेज में होता है। पहला और दूसरा जो फेज होता है वो रिटन एग्जाम होता है और जो लास्ट फेज होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। तो इसका जो पहला फेज है, ठीक है, इसका जो पहला फेज है वो कब है एग्जाम, वो है September 8, 2024। और जो फेज टू का एग्जाम है जिसमें तीन पेपर होते हैं, paper 1, paper 2 और paper 3, वो है October 19 को। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे अभी वीडियो में होगा कि paper 1, paper 2, paper 3 क्या है, ठीक है। फिलहाल फेज वन का एग्जाम 8 सितंबर को है, फेज टू का एग्जाम 19 अक्टूबर को, इसके बाद इंटरव्यू की डेट आएगी। एग्जाम का जो फॉर्म है वो आप आज से लेके 16 अगस्त मतलब 25 जुलाई से 16 अगस्त शाम 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। वेट मत करिएगा, अगर आपको फिल करना है फॉर्म तो टाइमली फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब आगे देखते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल कितनी पोस्ट हैं। टोटल 66 पोस्ट हैं यहाँ पे, जिसमें से जनरल के लिए कितनी है 27 है, स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी है 10 सीट्स हैं, और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी है तो 4 हैं, और OBC के लिए कितनी है 19 है, और EWS इकोनॉमिकल वीकर जो होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसकी 6 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 66 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। पोस्ट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, सैलरी इतनी अच्छी है, इसीलिए पहले हम पे स्केल की बात कर लेते ताकि आप इसमें इंटरेस्टेड हो। आपको पता हो कि आखिर इसका एग्जाम इतने अलग तरीके का क्यों है, क्योंकि इसका पे स्केल भी अलग है। इसकी आपकी स्टार्टिंग ही 55,200 से होती है, जो आपकी शुरुआत होगी ज्वाइनिंग से 55,200 आपका बेसिक पे है, ये बेसिक पे है। इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, प्लस आपको हमेशा इंक्रीमेंट मिलता जाता है। आप देख रहे हो सैलरी आपकी कैसे कैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी लाख तक चली जाती है बढ़ते बढ़ते, आप उसकी चिंता मत करिएगा। अगर आप एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तुलना आप अपने से कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं आपको एज एन ऑफिसर, या अगर आप ग्रेड बी ऑफिसर हो तो। नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट कितनी है। तो आपकी जो एज है मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 30 होनी चाहिए, मतलब 2 जुलाई 1994 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन है बाकी के लिए वो आप डिटेल नोटिफिकेशन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और या तो आपका PG होना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल और OBC इन दोनों को एक इन्होंने रखा है यहाँ पे, तो जनरल और OBC के लिए जो आपका परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में वो 60% होना चाहिए। बाकी SC ST और PWD के लिए जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें PG की, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वहाँ पे भी आपको वही दिया है कि PG अगर आपका है
अगर आप जनरल और या फिर ओबीसी हैं तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हैं तो बस पासिंग आपका होना चाहिए, कितने परसेंट से होना चाहिए कोई कंपल्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या दिया हुआ है, कितने एप्लीकेशन फी चार्जेस कितने हैं। तो भाई अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी हैं तो कितना, 100 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी, और अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 850 रुपये प्लस 18% जीएसटी। अगर आप पहले से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ हैं और आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी कोई फी नहीं लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। लेकिन आपको ध्यान देना है नो अदर मीन्स और मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, जैसे कि LIC ने कहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आखिर इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि एग्जाम दो पैटर्न रिटर्न होगा, दो फेज होगा रिटर्न का, एक होगा इंटरव्यू। रिटर्न में आपका जो फेज वन है, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ आपको समझाने का। रिटर्न में जो आपका फेज वन है, ऑब्जेक्टिव जैसे होता है ना, अभी आप जैसे पेपर देते हो, बाकी सबका प्री मेंस देते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आएंगे। किस किस सब्जेक्ट के, तो GA, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के। ठीक है, टोटल आपका 200 नंबर का ये पेपर होगा जो कि 8 सितंबर को होगा, और आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस पेपर के लिए। ठीक है, फेज वन आपका हो गया। अगर आप फेज वन में क्वालिफाई करते हो, आप इसे प्री कह सकते हो, फेज टू को आप मेंस कह सकते हो। अगर आप प्री में क्वालिफाई हुए तो जो फेज टू है, जो आपका मेंस है, वहां पे आपको एक ही दिन में 3 पेपर देने होंगे। ये बहुत अलग है, ऐसा किसी और एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, बहुत होता था तो ये होता है कि मेंस के साथ एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव लेते हैं ऐसे और लेटर, लेकिन यहाँ पे आपके 3 अलग अलग पेपर है। तीनों पेपर के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा, तीनों पेपर के एडमिट कार्ड अलग अलग जारी किए जाएंगे। पेपर वन जो आपका होगा उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। ठीक है, सिलेबस पूरा इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है डिटेल्ड में। जो पेपर टू आपका होता है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश की स्किल आपकी टेस्ट की जाएगी, जिसमें आपको एसे और लेटर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी पड़ेगी, और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें केवल टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन 50% क्वेश्चन टाइपिंग भी आपको करनी पड़ेगी। पेपर वन में भी, पेपर टू में भी टाइपिंग है, पेपर टू में ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। पेपर थ्री जो आपका होगा वो जनरल फाइनेंस से रिलेटेड होगा, फाइनेंस के क्वेश्चंस होंगे, और उसमें भी आधे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जहाँ पे आपको केवल ऑप्शन टिक करने हैं, लेकिन आधे क्वेश्चन के आंसर आपको टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये आपका अच्छे से देख लो। पेपर वन क्या होगा, एक तरीके से प्री है जिसमें चारों सब्जेक्ट आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप फेज वन में क्वालिफाई करेंगे तो आप फेज टू में जाएंगे। फेज टू में आप देख सकते हैं पेपर वन इकोनॉमिक एंड सोशल इशू पे होगा, आधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, आधे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे जो कि टाइप करना है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा, जो डिस्क्रिप्टिव उसके लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर वन में, और टोटल नंबर कितना होगा, 100 नंबर होगा। फिर आप वो पेपर दोगे, फिर आपको देना है पेपर टू। अब पेपर टू में इंग्लिश का आपका स्किल क्या है वो टेस्ट करेंगे, और ये आपका केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव है। टोटल आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे और कितने 100 नंबर के यहाँ पे रहेंगे। अब आते हैं पेपर थ्री पे। पेपर थ्री अगेन जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का रहेगा, आधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आधे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए आधा घंटा, डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट, मतलब टोटल 2 घंटे का टाइम रहेगा। 50-50 नंबर का, मतलब 100 नंबर का ये भी आपका रहने वाला है। ठीक है, तो तीनों पेपर 100-100-100 नंबर के रहेंगे, सबका टाइमिंग अलग अलग है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, वैसे सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब आते हैं पेपर फेज थ्री पे। जब आपका फेज वन आप क्वालिफाई करोगे फेज टू में आओगे, फेज टू क्वालिफाई करोगे फेज थ्री में आओगे, दैट इज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी जो कि टोटल 75 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, इंटरव्यू कितने नंबर का रहेगा, 75 नंबर का रहेगा। उसमें आप जितना अच्छा करते हो तो उस पर डिपेंड करता है कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो। आप कोई भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो, हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। उस हिसाब से पेपर वन फेज वन, फेज टू, फेज थ्री सबका मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बिहाफ पे आप सेलेक्ट होंगे।
देखिए, देख के आपको लग रहा होगा बाप रे बाप ये क्या है, लेकिन आपको पता है कई स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन करते हैं और खासकर जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो लोग इसके पीछे ज्यादा जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर आप जनरल क्लर्क वर्क लेवल की तैयारी करते हो तब आप ये फॉर्म भर के पैसे मत बर्बाद करना, लेकिन अगर आप सीरियस हो, अगर आप SBI PO के लेवल की प्रिपरेशन करते हो या करने का दम रखते हो तब आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, वरना 850 रुपये बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सो गाइज, आई होप कि इसकी जितनी भी डिटेल्स थी, जो मेन मेन बातें थी, वो मैंने आपको बता दी है। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के बाकी की जो बातें हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी, जो भी आपको अपने रिस्पेक्ट में देखनी है कि आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, रूल क्या एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही भरना पड़ेगा, वो आप कर लीजिएगा। याद रखिएगा 16 अगस्त लास्ट डेट है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।